तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, जहाँ होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही अमेजिंग लेके आया हूँ। ये एरर अक्सर तक कंप्यूटर में GTA 5 विंडो 10 में आता है। जब भी आप GTA 5 विंडो 10 में इंस्टॉल करते हैं, जब कुछ भी करते हैं, तो आप जैसे ही आपको एग्जिट बटन दबाते हैं या मेन्यू में जाना चाहते हैं या आप गेम सेव करना चाहते हैं और जैसे ही आप गेम मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आपके पास फौरी तौर पर एक एरर आ जाता है। वो एरर है फेल इंस्टॉलाइजेशन एंड रीस्टार्ट योर गेम। तो गाइस, ये एरर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसको हल करना, लेकिन ये वीडियो मैं आपके लिए बहुत इजी लेके आया हूँ। और आपको उससे पहले ये वीडियो पूरी देखनी होगी और आपको फौरन से लाइक नीचे दबा दें, आपको लाइक बटन दिख रहा होगा, लाइक बटन दबा दें और फौरी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन तो नहीं दबाना भूलना, ताकि आपको हमारी नई से नई नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस, लोगों के अक्सर कंप्यूटर में जैसे ही मेन्यू में जाते हैं या एग्जिट करते हैं, तो आपके पास ये एरर आ जाता है, फेल्ड इंस्टॉलाइजेशन, प्लीज़ रिबूट एंड रीस्टार्ट योर गेम प्ले। तो गाइस, ये गेम जो एरर है, ये कोई इसको हल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा इस गेम प्ले में आपने ये इस क्या नाम है गेम प्ले में आपने ये एरर कैसे हल करना है अपने कंप्यूटर में, अपने पीसी में, आप जिस भी में भी गेम प्ले चला रहे हैं। तो गाइस, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा, आपने डॉक्यूमेंट के ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको गेम्स दिख रहा होगा, रॉकस्टार गेम, सही है। आपने रॉकस्टार गेम के अंदर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा GTA 5। आप GTA 5 में जैसे ही जाएंगे, आपको नीचे दिख जाएगा सेटिंग का ऑप्शन। आप सेटिंग में राइट क्लिक करके नीचे आपको दिख रहा होगा एडिट का बटन, आप फौरन से एडिट बटन पर जाएंगे और उसको क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो आपके सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरह की फाइल ओपन हो जाएगी। तो आपने कोई घबराने नहीं, आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ढूंढनी है DX फाइल। गाइस, कौन सी DX फाइल? जैसे आपको यहाँ पे DX फाइल मिल जाएगी, तो यहाँ पे गाइस लोग दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है लोग टू लिखते हैं, तो क्या टू से काफ़ी सारे लोगों का एरर हल हो जाता है और कई लोगों का नहीं होता। ये वीडियो में आपको पूरी तरह बताऊंगा कि आपका ये तरीका आप पे चलता है या नहीं। अब देखें गाइस, जैसे ही हम यहाँ पे 1 था तो DX फाइल वर्जन 1 है, तो हम लोग इसको 2 कर देंगे तो कई लोगों का यहाँ पे एरर हल हो जाता है। तो आपने फौरी तौर पे पहले इसको सेव कर लेना। जैसे ही आप सेव कर लेंगे तो आपकी GTA 5 जहाँ भी पड़ी है, आप वहाँ जाके देखें। अगर आपका GTA 5 का मिशन ये सिर्फ इतना सा काम था, आपने सिर्फ यहाँ पे 2 डालना था, आप जैसे ही अब अपने जहाँ पे भी आपने GTA 5 रखी है, आप वहाँ पे जाएं फौरी तौर पे अपनी GTA 5 गेम प्ले ऑन करें और उसको ऑन करके देखें आपका ये एरर हल हुआ है कि नहीं। अब जैसे मैं ही अपने GTA 5 ऑप्शन में जाके GTA 5 स्टार्ट करूँगा और फिर जाके देखूंगा कि हमारी GTA 5 जो है वो मतलब कि चली भी है या नहीं। तो यहाँ पर मैं जिस तरह यहाँ पर आया तो GTA 5 चल जाती है, लेकिन जैसे ही मैं एग्जिट बटन दबाता हूँ तो वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं यहाँ पे वीडियो आपके लिए ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पे तेज़ कर दिया था, तो ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो इसी वजह से जैसे ही मैं अंदर आया, तो जैसे ही हम लोग शुरू में हम बैंक रॉबरी कर रहे थे इस मिशन में, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे फौरी तौर पे हो जाए, तो मैं एग्जिट बटन या मिनिमाइज करूँ, लेकिन वो कुछ आपस में बातें बातें कर रहे थे जिसकी वजह से मैं वो जल्द नहीं कर पा रहा था। अब जैसे ही मेरे पास ये कंट्रोलर आया है, जैसे ही इन लोगों ने ये कंट्रोलर मुझे दिए हैं, तो मैं एग्जिट बटन दबा के चेक करता हूँ ये एरर मेरा हल हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं 2 डालने से भी मेरा ये एरर जो है ये हल नहीं हुआ, मेरी गेम प्ले जो है वो स्टॉप हो गई, वापस वही उसने एरर दे दिया कि आपकी गेम प्ले अभी भी वही एरर दे रही है, फेल इंस्टॉलाइजेशन वाला ही एरर दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ फौरी तौर पे जो है ना, मैं अपनी वीडियो मतलब फौरी तौर पे मैं वापस जाता हूँ अपने उसी एडिट वाले, आपने गाइस कुछ नहीं करना, आपने वापस जो है उसी जगह पे जाना है, क्या नाम है फेल क्या नाम है, वापस आप माय कंप्यूटर में जाएंगे, माय डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद रॉकस्टार गेम GTA 5, फिर उसके बाद सेटिंग में जैसे ही जाएंगे आपने एडिट करना है, फिर आपको DX फाइल ढूंढनी है। इसमें से DX फाइल कौन सी है, अगर आपका 2 से हल नहीं हुआ, काफ़ी लोगों का 2 से हल हो जाता है, अब जैसे ही आप यहाँ पर DX फाइल आप अपनी ढूंढेंगे, तो आपको DX फाइल मुझे कहाँ पे DX फाइल, ये जैसे आप देख रहे हैं कि मुझे DX फाइल कहाँ के मिल नहीं रहे, हाँ DX फाइल वर्जन मिल गया मुझे। आपने यहाँ पे 2 डाला था, अगर आपका 2 से हल नहीं हुआ तो आप 0 डालें, 0 करने के बाद आप फौरी तौर पे इस गेम को सेव करें और आपकी GTA 5 गेम जहाँ भी पड़ी है आप फौरी तौर पे वहाँ जाके अब आप देखें आपका ये एरर 110% सही हो हल हो जाएगा। अगर ना हुआ तो आपके पास कमेंट सेक्शन नीचे है, आप मुझे जो मर्जी कुछ कह दीजिएगा, सही है, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आपका एरर ये 100% हल हो जाएगा। अगर आपका ये एरर हल हो गया और आपको उससे
फिर मुझे सब्सक्राइब करना होगा और लाइक बटन तो ज़रूर दबाना होगा और बेल आइकन दबाना तो कभी मत भूलिएगा। अब मैं जैसे ही GTA 5 अपनी गेम प्ले ऑन करता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ कि ये एरर काम करता है या नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी गेम सेटिंग ओबीएस पे कर रहा होता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आया इन GTA 5 के अंदर और मैं चेक करता हूँ कि मेरा ये एरर हल हुआ है कि नहीं। गाइस ये एरर हल हो जाता है, बिल्कुल हल हो जाता है। अब जैसे ही मैं आगे गया ये हमारी गेम प्ले स्टार्ट हो रही होती है तो शुरू में फिर से वही हमने बैंक रॉबरी वाला काम शुरू हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल करके ये वीडियो में बता रहा हूँ ताकि कई लोगों को यहाँ पे एरर आता है वो लोग वीडियो नहीं समझ पाते। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एरर इन 3-4-5 जगहों पर आता है, जैसे मिनिमाइज़ करने पर, गेम एग्जिट करने पर, कुछ भी करने पर ये एरर आ जाता है। आपसे गलती से भी मिनिमाइज गेम भी आपकी सेव नहीं हो पाती। अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैसे ही एग्जिट बटन दबाऊंगा, देख सकते हो आप मेरी गेम प्ले ने वो एरर नहीं दिया। मैं मिनिमाइज़ करूँ, कुछ भी करूँ, अब ये गेम प्ले एरर नहीं देगी। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे इसमें वीडियो में सिर्फ आपको 2 या 3 ही काम करने होते हैं। आपको पहले 2 डालना होता है, फिर 0 डालना होता है। बस सिर्फ यही 1-2 काम होते हैं जो मैन करने वाले बकाया, तो उसके अंदर कोई भी ऐसी नहीं होती है। और मैं आपको अगर GTA 5 का कुछ भी एरर आ रहा है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं के लिए अगली वीडियो इस तरह के हल करके ला के दिया करूंगा। तो गाइज मैं GTA 5 का भी एंड कर रहा हूं, तो मैंने GTA 5 के एंड करने तक 5000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो गाइज अगर आप मेरी इसमें मदद करो, तो मैं GTA 5 के ऑल गेम प्ले की वीडियोस डाल रहा हूं, तो मैं अपने इसमें वीडियोस के लिंक भी दे दूंगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी बन रही है। तो मैंने वीडियो GTA 5 के एंड करने तक 5000 के सब्सक्राइबर की मतलब अपनी रिक्वायरमेंट रखी है कि 5000 सब्सक्राइबर होने ही चाहिए। तो गाइज थोड़ी मदद कर देना और सब्सक्राइबर तो मेरे कर ही देना 5000, कोई ज़्यादा मैंने आपसे सब्सक्राइबर नहीं मांगे। तो और भी मैं बहुत सारी गेम प्ले बनाता हूँ, जैसे क्या नाम है, स्लीपिंग डॉग हो गया, क्या नाम है, टेकन 6, किंग ऑफ फाइटर, ऐसी बहुत सारी गेम्स की मैं वीडियो बनाता हूँ और बहुत उनके लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ और इस तरह के एरर्स की भी वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ का भी एरर की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको कोई भी एरर हो हुआ GTA 5 के बारे में या इन 4-5 गेमों के बारे में तो आपको ज़रूर इस बारे में बताऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और क्या नाम है, इसी तरह प्यार दिखाते रहना और लाइक बटन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा देना। आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर आपका एरर हल हो गया तो आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइज बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी। अगर आपने लास्ट तक देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइज मैं आपसे चाहूंगा अगली वीडियो तक के लिए।